तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक हम फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। दिया हुआ है कि ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ ए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम के एट द एंड ऑफ एन रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। तो पहले जो है हम इसको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। किसी को जो है ट्राई करना है कर सकते हैं ट्राई। पहले हम जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। इस क्वेश्चन से बेसिकली आपको एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही नॉलेज मिलने वाला। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², ये हमको सबको पता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी पार्टिकल के अंदर जो है एनर्जी एसोसिएटेड होता है जब पार्टिकल मूव करना शुरू होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है आता कैसे है इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक शुरुआत में एक आदमी वो क्या किया है कि यहाँ पे खड़ा है और एक अपने हाथ में जो है एक पत्थर लेके खड़ा है ऐसे। अब ये पत्थर का मास दिया हुआ है सवाल में एम। अब ये जो है इस आदमी के पास ये जो पत्थर है इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन ये आदमी इस पत्थर को एक वेलोसिटी जो है फेंक दिया। वेलोसिटी देकर जो है इस पार्टिकल को ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। अब होगा क्या समझिए, जैसे ही हम इसको फेंकेंगे तो हम अपना एनर्जी, ये मैन का एनर्जी जो है वो किसके अंदर जाएगा, इस पार्टिकल के अंदर। और ये जो पार्टिकल है उसके पास जो है वेलोसिटी बढ़ेगा, अपना एनर्जी जो है वो ट्रांसफर किए किसके पास, इस एम मास के ऑब्जेक्ट के पास, और उसके एनर्जी से इस पार्टिकल का स्पीड बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है ना, और ये स्पीड जो है बढ़ते 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 होगा क्या कि इसका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्पीड से फेंका तो स्पीड जो है इसको दे दी हम। अब स्पीड इसको मिल गया तो ये स्पीड जो है वो बढ़ा। तो ये बढ़ाने का जो जिम्मेवार है स्पीड को वो कौन सा एनर्जी है, इस पास काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ ना। और ये जो है इस एनर्जी को लेकर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है और अगर ये पत्थर जो है इस आदमी को अगर हिट किया तो हो सकता है कि इस आदमी का सर जो है थोड़ा सा क्या कर दे, डिफॉर्मेशन क्रिएट कर दे। ठीक है, फोड़ दे सर को। तो इसका मतलब है कि जितना जोर से जो है हम फेंकेंगे इस पत्थर को, जितना जोर से जो है हम इस पत्थर को फेंकेंगे उतना जोर से जो है ये पार्टिकल के पास स्पीड बढ़ेगा, उतना ज्यादा एनर्जी हम इस पार्टिकल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और उतना ज्यादा जो है पार्टिकल का एनर्जी स्पीड बढ़ेगा और उतना ज्यादा जो है जाकर उसको डेफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। तो बेसिकली हम ये बात जानना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है खुद का एनर्जी होता है और उसको हम वेलोसिटी देते हैं तो वो एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हुआ ना। तो इसी पे बेस्ड एक सवाल है। सवाल क्या है समझिए, सवाल है यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। अब हुआ क्या, सर्कुलर पाथ है इस तरह का और रेडियस आर दिया हुआ है और शुरुआत में पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है। अब होता क्या है कि इस पार्टिकल एम को जो है एक हम स्पीड देते हैं। ठीक है ना, तो इस एम मास के पास जो है इस एम मास के पास इस पार्टिकल के पास शुरुआत में कोई प्रकार का वेलोसिटी नहीं था, लेकिन जैसे ही जो है शुरुआत में किसी प्रकार का वेलोसिटी नहीं था लेकिन एक हम फोर्स लगा दिए इसके पास, एक एक्सेलरेशन दे दिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिए हम। अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे ही दिए तो होगा क्या, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ेगा। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब एक टेंजेंशियल फोर्स है ऊपर की तरफ, और जिधर फोर्स होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका वेलोसिटी जो है बढ़ना शुरू होगा। शुरुआत में इसका स्पीड कितना था, जीरो। शुरुआत में कितना था स्पीड, रुका हुआ था, लेकिन एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने की वजह से ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या होगा कि इसका स्पीड जो है लगातार बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर होगा, यहां पर जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर होगा।
जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, ऐसे मतलब जहां जहां पार्टिकल जाएगा वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल के वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इस डायरेक्शन में लगातार जो है पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते 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 ऐसे बढ़ते गया था, ठीक है ना। ऐसे समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका स्पीड ये सर्कुलर पाथ है और पार्टिकल यहाँ पर है, इसका स्पीड बढ़ते गया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, देखिए अब बढ़ते 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 इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ एकदम फास्ट, क्लियर हुआ ना। तो ये स्पीड बढ़ते जाएगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है उसके स्पीड को क्या करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, क्लियर हुआ। वही हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है ताकि उसका जो स्पीड इतना बढ़ जाए, इतना स्पीड बढ़ जाए, ठीक है ना, ताकि ताकि काइनेटिक एनर्जी जो है उस पार्टिकल का के हो जाए, ठीक है। तो बताइए कि जब एन चक्कर लगा लेगा, जब पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमते 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 गोल गोल घूमते घूमते जब एन चक्कर लगा लेगा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा पार्टिकल का, के हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ही जिम्मेवार है वेलोसिटी को बढ़ाना, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है बढ़ेगा, बढ़ते 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 हमको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी के कब हो जाएगा, जब कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे ताकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एन चक्कर में के बन जाएगा, ये सवाल है। अब पढ़िए, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ ए कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम के एट द एंड एन रिवोल्यूशन, जब वो एन चक्कर लगाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है के हो जाती है आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन। आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो शुरुआत, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, जब पार्टिकल शुरुआत किया था, शुरुआत कैसे करेगा, शुरुआत करेगा स्पीड जीरो से, तो स्पीड जब जीरो था तो पार्टिकल जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो था, लेकिन एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या हुआ कि पार्टिकल का स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, पार्टिकल का स्पीड बढ़ना शुरू हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हुआ, और जब पार्टिकल जो है वो स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया जब पार्टिकल का, तो पार्टिकल जो है इन चक्कर में काइनेटिक एनर्जी कितना गेन कर लिया, के। तो बताना है कि उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, तो बहुत आसान है, कौन सा बड़ा बात है, बताइए कि काइनेटिक एनर्जी जो है इन चक्कर में कितना हो गया, एन के हो गया। तो यहां से बताइए कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा एन चक्कर में, जब एन चक्कर लगा लेगा पार्टिकल तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा वो हमको बताना है। तो ई काइनेटिक एनर्जी कितना चक्कर में हो गया है, एन चक्कर में अप टू एन रिवोल्यूशन में। तो बताइए कि यहां से वेलोसिटी हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2 के बाई एम, वेलोसिटी इक्वल टू 2 के बाई एम, तो यहां से वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट 2 के बाई एम हो जाएगा, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान से कि जब पार्टिकल जो है घूमते गया तो वेलोसिटी हो गया अंडर 2 के बाई एम। अब हमको बताना है उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू, और कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, वी बराबर यू प्लस एटी, ठीक है वी बराबर यू प्लस एटी। लेकिन हमको टाइम नहीं पता, ये टाइम भी हम निकाल सकते हैं कि कब जो है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और कब जो है उसका वेलोसिटी इतना हो जाएगा, निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, टाइम भी निकाल लेंगे। अभी जो है फिलहाल जो है हम निकालना चाहते हैं कि कितना ये जो एटी कितना होगा, तो ए निकालने के लिए जो है ये तो इक्वेशन नहीं पता है क्योंकि टाइम नहीं पता, कि ए वाला ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ए वाला भी भी जो है वो कितना हो जाना चाहिए 2 के बाई एम उसका होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, 2 इंटू एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और डिस्प्लेसमेंट जब एन चक्कर लगा लेगा तो एन चक्कर लगाने की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एन चक्कर लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा एन इंटू 2 पाई आर, ठीक है एन इंटू 2 पाई आर, क्लियर हुआ ना इस तरह से, ठीक है। डिस्टेंस इतना ही ना कवर कर लेगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो रहा है, इसलिए जो है डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ जीरो नहीं किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, जैसे पार्टिकल जो है यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, पार्टिकल जब यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, पार्टिकल यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, तो हम नेट जो है जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं बोल सकते, याद रखिएगा यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। तो एन चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एन इंटू 2 पाई। यहाँ से बताइए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2 के बाई एम इक्वल टू 2 टू जा 4 4 पाई आर इंटू एन इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो एटी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 के 2
टू से टू बार में कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना, टू बार में कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व कीजिए आगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, हमको 80 निकालना है, तो 80 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, के बाई 2 पाई एम एन आर, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? अब कोई बोल देगा कि वो टाइम कितना होगा जब उसका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा, तो बना देंगे वो टाइम निकालने के लिए, इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो बताइए यहाँ से कि वी कितना होना चाहिए, अंडर रूट 2k बाई एम हो जाना चाहिए, यू जीरो है, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए कितना, अभी बता दिए कितना था, के बाई 2 पाई एम एन आर हो जाना चाहिए इंटू टी। यहाँ से टाइम निकल जाएगा कितना, 2 पाई एम एन आर बाई के अंडर रूट 2k बाई एम, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि इस तरह का सवाल जो है आए तो कैसे आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हम यूज किए हैं, हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं किए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अगर वहाँ पे हम यूज, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है हम बता रहे हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसको हम ऊपर फेंक दिए ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा जी, नीचे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो पार्टिकल जाएगा 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 और यहाँ पर, और फिर से जो है, अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अब पार्टिकल गिरेगा 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 गिरेगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा जो है कॉन्स्टेंट है नीचे की तरफ ही, लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो कॉम्पोनेंट है वो, सॉरी, डायरेक्शन है हमेशा चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हम यूज नहीं किए, भले ही कॉन्स्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, उसको हम ऐसे फेंक दिए ऐसे, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ, अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, लेकिन जब पार्टिकल जो है मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे, अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, अब पार्टिकल नीचे गिरेगा, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा नहीं, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर हुआ ना, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो ये था हमारा सवाल, चलिए ऑल द बेस्ट।